हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड्स, एएलपी सीबीटी2 के पार्ट बी की क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो यह क्लास नंबर 3 है, थर्ड नंबर का लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लियर कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ फायर कितने प्रकार की होती है, उनके लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज करके उन्हें कंट्रोल किया जाता है। एंड सेकेंड लेक्चर में हमने जाना था फ्रेंड कि आपके टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, आखिर मेजरमेंट के कितने प्रकार के होते हैं, और वहां पर कुछ हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जाना था। आज के थर्ड नंबर के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। और यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात फ्रेंड क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है कि आपका जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में सबसे फर्स्ट एनालाइज करना होता है कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करानी है। फ्रेंड, आपको काफी लोग तैयारी करा रहे हैं एएलपी सीबीटी2 पार्ट बी की, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है ना, वह आईटीआई स्टूडेंट के हिसाब से एंड डिप्लोमा स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सभी के हिसाब से यहां पर डिसाइड किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर हमको तैयारी करनी है। और किस चैप्टर से डीपली क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चैप्टर से हमारे कॉमनली क्वेश्चन आएंगे, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। और आशा कर रहा हूं कि आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर, और लेक्चर यदि आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करिए। चलिए, तो यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है हमारे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से। यहां पर पूछा गया है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो हमारा 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। यदि वह पूछता है कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो हमारे 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर वह फ्रेंड कुछ भी पूछ सकता है, या वह पूछ सकता है कि 1 माइक्रोन में आपका कितना सेंटीमीटर होता है। तो फ्रेंड वह सेंटीमीटर की पूछता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए 1 माइक्रोन में आपका जो सेंटीमीटर होता है वह आपका कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको फ्रेंड यह क्लियर होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में आपका 1000 माइक्रोन होते हैं, 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होते हैं, 1 माइक्रोन में सेंटीमीटर की बात की जाए तो 0.01 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहां पर अगला क्वेश्चन आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है, तो यहां पर पूछा गया है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑप्शन मिल जाता है कोणीय सतह की जांच के लिए, तो एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर है वह कोणीय सतह की जांच के लिए किया जाता है। यह कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट की यदि बात करी जाए, तो यहां पर हमारे कॉम्बिनेशन सेट में 3 हेड होते हैं, यानी कि जो पूरा कॉम्बिनेशन सेट बना होता है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह जो है कॉम्बिनेशन सेट कई पार्टों को कॉम्बिनेशन करके, यहां पर 4 पार्ट होते हैं, उन सभी पार्ट का अलग अलग कार्य होता है। अब यहां पर मैं 4 पार्ट का क्या क्या कार्य है मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करी जाए, तो सबसे फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, रूल या फिर स्केल होता है। सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड हमारा होता है स्क्वायर हेड होता है। थर्ड हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है। क्लियर है? प्रोटेक्टर हेड होता है। एंड फोर्थ की यदि बात करें, तो हमारा यहां पर सेंटर हेड होता है। क्लियर है? यह हमारे 4 इसके पार्ट है, रूल, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड एंड सेंटर हेड। सभी का अलग अलग कार्य है फ्रेंड, वह अलग अलग पार्ट में पूछ लेता है। देखिए, सेंटर हेड की यदि बात की जाए, तो सेंटर हेड का कार्य हम किस लिए करते हैं, यदि हमें किसी राउंड वर्कपीस को दिया गया है, यह हमारी कोई रॉड है, राउंड वर्कपीस है, हमें इसके सेंटर को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, ओनली रूल लेंगे और हमारे सेंटर हेड के बीचों बीच से उस रूल को निकालते हैं, और हम सबसे फर्स्ट इसके यहां पर एक रेखा डालते हैं, और इसके 90 डिग्री में, जस्ट 90 डिग्री में एक रेखा हम डालते हैं, तो हमारा जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, वहां पर हम उसके सेंटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि कहा जाए कि कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का क्या प्रयोग है, तो वहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटर हेड का प्रयोग है किसी राउंड बार को, राउंड जॉब के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट आता है हमारा स्क्वायर हेड। आखिर स्क्वायर हेड का क्या कार्य है, तो स्क्वायर हेड की बनावट के बारे में सबसे फर्स्ट समझ लीजिए। तो फ्रेंड, स्क्वायर हेड की बनावट इस प्रकार होती है, इसका जो एक एज होता है स्क्वायर हेड का, वह 90 डिग्री में, एंड जो सेकंड एज होता है वह हमारे 45 डिग्री में होता है।
और यह हमारा ब्लेड या फिर रूल है इस टाइप से। तो यहां पर इसका कार्य क्या होता है स्क्वायर हेड का, यदि हमें किसी 90 डिग्री पर रेखा को खींचना हो या फिर हमें 45 डिग्री पर मार्किंग करनी हो, 90 डिग्री पर मार्किंग करनी हो, 90 डिग्री के एंगल की चेकिंग करनी हो, 45 डिग्री के एंगल की चेकिंग करनी हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड के साथ कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है प्रोटेक्टर हेड की, तो प्रोटेक्टर हेड में क्या होता है, इस प्रकार से 360 डिग्री में ग्रेजुएशन बनी होती है एक राउंड में और इसे 360 भागों में डिवाइड किया होता है, यानी कि एक भाग की वैल्यू यहां पर 1 डिग्री होती है, यानी कि प्रोटेक्टर हेड हमारा क्या कार्य आता है, 1 डिग्री की एक्यूरेसी में एंगल मेजरमेंट के काम में आता है। तो बात की जाए यहां पर कॉम्बिनेशन सेट की, तो मैं कोणीय सतहों की जांच करने के लिए या फिर 1 डिग्री की एक्यूरेसी में किसी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, या 90 डिग्री में रेखा खींचने के लिए, 90 डिग्री को चेक करने के लिए, यानी कि जितने भी पार्ट हैं उन सभी मैंने आपको प्रयोग बताए, तो वह सभी काम के लिए हमारा कॉम्बिनेशन सेट प्रयोग किया जाता है। अब यहां से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यहां से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्क्वायर हेड का, स्क्वायर ट्राई स्क्वायर का कार्य करता है, ट्राई स्क्वायर का कार्य करता है, वेबल प्रोटेक्टर का कार्य करता है, एंड रूल का कार्य करता है, तो एंड हमारा इसमें स्क्राइबर भी लगा होता है, स्क्राइबर हमारा यहां पर स्क्वायर हेड में नॉब स्क्राइबर लगा होता है कॉम्बिनेशन सेट में। तो देखिए यहां पर ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या होता है, वह 90 डिग्री में रेखा खींचता है, तो वह हम कॉम्बिनेशन सेट से कर सकते हैं उसके हम स्क्वायर हेड से, इसलिए यह जो पार्ट है वह स्क्वायर हेड का भी कार्य करता है। वेवल प्रोटेक्टर यानी कि वह कोण का माप भी कर सकता है, एंड वह रूल यानी कि स्केल का भी काम करता है क्योंकि इसमें वह पार्ट लगे हुए हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन सेट। तो यह मैंने कंप्लीटली कॉम्बिनेशन सेट के बारे में आपको बता दिया है, जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन सेट से होंगे डेफिनेटली आप करेक्ट कर पाओगे यदि मेरे वर्ड की ओर आपने फोकस किया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल जाता है, माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना अंकित होता है। अब देखिए यहां पर ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है उसके बारे में समझते हैं। यहां पर पूछा है कि हमारा वृत्तीय पैमाना जो है वह क्या है। देखिए माइक्रोमीटर की थोड़ी सी बनावट के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। यह हमारी माइक्रोमीटर की एक फ्रेम है, यह हमारा क्या है फ्रेंड, यह हमारा एक तरीके का वेरल है, एंड यहां पर हमारा एक इस प्रकार का वेबल एज होता है, एंड इस प्रकार का हमारा यहां पर एक रैचेट स्टॉप मिल जाता है। तो इस प्रकार की लगभग हमारी एक बनावट होती है। यहां पर हमारी क्या मिल जाती है, एनविल मिल जाती है, एंड यहां पर हमारा एक स्पेंडल मिल जाता है। अब यहां पर भी हमारी एक ग्रेजुएशन होती है, एंड यहां पर हमारी ग्रेजुएशन होती है, क्लियर है, इसके वेबल भाग में। तो यहां पर पूछा क्या गया है फ्रेंड कि हमारे जो राउंड पैमाना है, वृत्तीय पैमाना है, उस पर कौन सा डिवीजन होता है। अब यहां पर देखिए ये जो है ये आपका मेन डिवीजन कहलाता है, मेन डिवीजन कहलाता है, एंड इसकी बात करी जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फ्रेंड कहलाता है थिम्बल डिवीजन। तो जो थिम्बल डिवीजन होता है, थिम्बल पैमाना होता है, वह एक वेबल भाग पर कटा होता है, एंड ये राउंड में कटा होता है क्योंकि ये चारों ओर घूमता है। थिम्बल डिवीजन हमारा चारों ओर घूमता है, यानी कि थिम्बल को जब हम चारों ओर घुमाते हैं तो हमारा स्पेंडल आगे की ओर कार्य करता है या फिर पीछे की ओर बढ़ता है। तो यहां पर सिंपली हमसे पूछा गया कि वृत्तीय पैमाना कौन सा अंकित होता है, तो थिम्बल डिवीजन पर वृत्तीय पैमाना अंकित होता है। अब यहां से हमारा माइक्रोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो माइक्रोमीटर हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर वर्क करता है। अब यहां पर नट कौन सा है, बोल्ट कौन सा है, यहां पर बैरल जो है, बैरल हमारा कार्य किसका करता है, बैरल हमारा नट का कार्य करता है क्योंकि इसमें एक इंटरनल थ्रेड कटी होती है। स्पिंडल की बात करें तो स्पिंडल क्या करता है, स्पिंडल पर हमारी एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है, इसलिए यह हमारा बोल्ट का कार्य करता है। इस प्रकार कंप्लीटली माइक्रोमीटर हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर निकल के आया, गियर दांतों की प्रोफाइल की जांच की जाती है, तो हम गियर टीथ के प्रोफाइल की चेकिंग के लिए प्रकाशीय पायरोमीटर का यूज करते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चूड़ी माइक्रोमीटर यानी कि थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यहां पर थ्रेड माइक्रोमीटर से हम चूड़ी का इफेक्टिव डायमीटर की मेजरमेंट करते हैं। इफेक्टिव डायमीटर किसको बोला जाता है, पिच डायमीटर को ही हम इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं, प्रभावी व्यास बोलते हैं। अब देखिए
मैं यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा कि आखिर हमारा थ्रेड माइक्रोमीटर जो है वह इफेक्टिव डायमीटर को किस प्रकार से चेक करता है। तो यहां पर मैं एक थोड़ा सा थ्रेड का आपको एक डायमीटर बनाऊंगा फ्री हैंड। तो यहां पर ये देखिए, यह हमारी एक एक्सटर्नल थ्रेड मान सकते हो, यहां पर यह हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है, यह हमारा एक राउंड वर्क पीस है, यह हमारी एक सेंटर लाइन है। तो यहां पर आप देख सकते हो यह हमारी एक एक्सटर्नल थ्रेड है, क्लियर है। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको इस फिगर के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे फर्स्ट मैं इसके एलिमेंट यानी कि थ्रेड के एलिमेंट की ओर जाऊंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर थ्रेड में इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, पिच डायमीटर क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हो सके। तो देखिए सबसे पहले हम मेजर डायमीटर की बात करें तो दोनों क्रस्ट के आर पार का जो डायमीटर होता है, जो कि थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, वह आपका क्या होता है, बड़ा डायमीटर कहलाता है, मेजर डायमीटर कहलाता है, क्लियर है। अब यदि माइनर डायमीटर की बात करें तो दोनों रूट के आर पार का जो डायमीटर होता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा माइनर डायमीटर कहलाता है, छोटा व्यास कहलाता है। अब बात आती है आखिर पिच डायमीटर की, तो आपको पता है पिच डायमीटर बराबर क्या होता है, मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ, माइनस सिंगल डेप्थ, क्लियर है। यानी कि यदि आपको पिच डायमीटर को फाइंड आउट करना है, आपको मेजर डायमीटर दिया गया है, तो आपको मेजर डायमीटर में से सिंगल डेप्थ घटाने पर आपको क्या मिल जाता है, पिच डायमीटर मिल जाता है, इफेक्टिव डायमीटर मिल जाता है। तो यहां पर फोकस क्या करना है, देखिए यहां पर यह हमारा आसपास का है, यानी कि इस रूट से और इस क्रस्ट तक यदि हम इसे परपेंडिकुलर नापते हैं, जैसे कि यह हमारा रूट है और यह हमारा क्रस्ट है, तो इसमें हमने देखिए ये हमारी डेप्थ क्या कहलाती है, इसके रूट से क्रस्ट के बीच की दूरी हमारी क्या है फ्रेंड, ये तो हमारी क्या है, डेप्थ है। तो यहां पर हमारी हमने डेप्थ को ओनली माइनस किया, देखिए रूट से यहां तक डेप्थ को माइनस कर दिया, ये हमारी सिंगल डेप्थ है, तो हमको क्या मिल गया यहां पर, पिच डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर मिल गया। अब हमारा माइक्रोमीटर जो थ्रेड माइक्रोमीटर वह किस प्रकार कार्य करता है, तो थ्रेड माइक्रोमीटर में एक हमारा मेल बी ग्रुप मेल टाइप का भी इस टाइप से शेप में होता है एनविल, और एक हमारा फीमेल होता है, फीमेल किस टाइप से होता है फ्रेंड, फीमेल इस टाइप से हमारा बना होता है कुछ इस तरीके से। तो यहां पर क्या होता है, जो मेल होता है वह हमारे कहां आ गया, रूट में आ गया, यानी कि इस पॉइंट को टच कर दिया मेल ने, क्लियर है। मेल हमारा यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारा एनविल है और ये हमारा स्पेंडल है, ये हमारा माइक्रोमीटर है फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मैं ओनली आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। तो ये मेल जो है वह हमारा इस पॉइंट को छू गया, फीमेल हमारा किस पॉइंट को छूएगा, ये वाला पॉइंट, देखिए फ्रेंड तो ये वाला पॉइंट। अब ये डिस्टेंस कौन सी हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई, रूट से क्रस्ट के बीच की दूरी, तो रूट से क्रस्ट के बीच की दूरी आपका क्या है, इफेक्टिव डायमीटर, पिच डायमीटर, तो पिच डायमीटर है, तो पिच डायमीटर में हमने सिंगल डेप्थ माइनस की थी, यहां से हमने पिच डायमीटर निकाला। तो इस प्रकार से हमारा जो थ्रेड माइक्रोमीटर है वह पिच डायमीटर को, थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर हो गया, प्रकाशीय फ्लैट बना होता है, तो क्वार्ट्ज का प्रकाशीय फ्लैट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हल्की चादर की मोटाई को सबसे अच्छी जांच की जा सकती है फ्लैंज माइक्रोमीटर से, माइक्रोमीटर द्वारा तो की जा सकती है, लेकिन पतली जो विद थिन प्लेट होती है, कागज होता है पतला, उनकी चेकिंग के लिए हम फ्लैंज माइक्रोमीटर यूज करते हैं। फ्लैंज माइक्रोमीटर किस प्रकार का होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉर्मल माइक्रोमीटर की यदि बात करें तो फ्रेंड इस प्रकार का हमारा नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है, यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहां पर हमारा नॉर्मल माइक्रोमीटर लगभग इस प्रकार का होता है, क्लियर है, यहां पर हमारा यह नॉर्मल माइक्रोमीटर है। अब फ्लैंज माइक्रोमीटर में अंतर क्या होता है, इसके एनविल और स्पेंडल पर हमारे फ्लैंज लगे होते हैं, क्लियर है, इस प्रकार के फ्लैंज लगे होते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड, यदि हमारी कोई थीन कागज है, थीन प्लेट है या थीन सीट है, तो उसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे हम आसानी से फ्लैंज माइक्रोमीटर से उसकी एक्यूरेसी में माप सकते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड, इसका हल्की चादर की मोटाई सबसे अच्छी जांच की जा सकती है, तो माइक्रोमीटर से जांच की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या निकल के आ रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर निकल के आ रहा है, देखिए
मापन उपकरणों की सूक्ष्मता होती है, यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है, तो एक्यूरेसी क्या है फ्रेंड, जितनी अधिक एक्यूरेट यानी कि जितना समीपतम साइज वह माप सके वह हमारा एक्यूरेसी कहलाती है, लिस्ट काउंट कहलाता है, क्लियर है। तो यही यहां पर बताया गया है, क्लोजनेस जिसके साथ एक माप सीधी मापन उपकरण द्वारा ली जा सकती है वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? तो देखिए सरफेस गेज की बात करें कि यह कौन सा टूल है, सरफेस गेज हमारा मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। सरफेस गेज जो है वह मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। अब यह रेफरेंस लाइन लिखा है तो यहां पर देखिए यह रेफरेंस का भी एक कार्य करता है। इसका यूज क्या है, यदि हम लेथ मशीन पर किसी वर्कपीस को ट्रू करना चाहते हैं यानी कि प्रॉपरली सेंटर में करना चाहते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सरफेस गेज का यूज करेंगे। यदि हमें किसी एज के साथ में पैरेलल रेखा खींचनी है तो वहां पर हम यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज करते हैं क्योंकि उसमें गाइड पिन होती है। सरफेस गेज भी हमारे दो टाइप के हैं, एक सॉलिड टाइप का सरफेस गेज होता है एंड एक यूनिवर्सल टाइप का सरफेस गेज होता है। तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, आगे जब पढ़ाएंगे उसमें डिटेल्स में बताएंगे। चलिए तो सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है, मार्किंग टूल है, रेफरेंस लाइन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिवाइडर का नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सरफेस गेज चिन्हन करने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि चिन्हन करने के लिए, मार्किंग करने के लिए हम यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। इसका कौन सा पार्ट है डेटम एज के समानांतर रेखा खींचने में सहायता करता है? तो फ्रेंड यहां पर आप एक फिगर देख रहे होंगे, उसमें डॉटम पिन इस प्रकार नीचे लगी हुई है जो कि हमारे नीचे उस एज के साथ में सट जाती है और हमारा स्क्राइबर उसके पैरेलल रेखा खींच देता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में वह कौन सा पार्ट है, हमारी गाइड पिन है, क्या है हमारी गाइड पिन जो होती है वह हमारा क्या कार्य करती है, डॉटम एज के साथ में पैरेलल रेखा खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर अगला क्वेश्चन है एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं उनके बीच का उद्देश्य क्या है। आखिर हमारे एंगल प्लेट इस प्रकार की एल आकार की है, इसमें यहां पर स्लॉट बने होते हैं तो उन स्लॉटों का क्या कार्य है, क्लैंपिंग बोल्टों को जगह प्रदान करने के लिए, यानी कि हम उसमें जब क्लैंप करते हैं किसी वर्कपीस को 90 डिग्री में क्लैंप करना हो, होल्ड करना हो, तो वहां पर हम नट बोल्ट के द्वारा उसे कसने के लिए यहां पर ग्रूव बना दिए जाते हैं, या फिर बोला जाए कि इजीली हैंडलिंग के लिए यह ग्रूव बना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्राइबर का पॉइंट होता है, स्क्राइबर हमारा मार्किंग के लिए यूज करते हैं, स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वह 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है, तो वह हमारी सेकंड है, जिसको हम लीनियर मेजरमेंट में एंगल में भी हमारा एंगल की माप भी सेकंड होती है। तो इस प्रकार वह इकाई कौन सी है, सेकंड एक ऐसी इकाई है जो सभी प्रणालियों में हम प्रयोग करते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में हमारे कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि हम 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 30 और आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 1 किलोमीटर में मिलीमीटर को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रूल किस प्रकार का यंत्र है, तो लंबाई मापने का लीनियर मेजरमेंट यह करता है। देखिए अब रूल के बारे में मैंने अभी इससे पिछली वाली वीडियो में आपको मेजरमेंट के टाइप्स के बारे में क्लियर किया था, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं उन्होंने लेक्चर नहीं देखा है तो सेकंड नंबर के लेक्चर को देख लीजिए, मैंने वहां पर क्लियर किया था। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट रीडिंग दे सकता है वह हमारा क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट टूल के अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष मापी के अंतर्गत आता है, लेकिन जिसके लिए हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर उसकी रीडिंग को देखना पड़े वह अप्रत्यक्ष मापी औजार कहलाता है। तो रूल हमारा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है और इसके द्वारा हम लीनियर माप को लेते हैं, क्लियर है, एक सीधी रेखा वाली माप को इसके द्वारा ले सकते हैं। यहां पर लंबाई मापने लिखा है,
तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ना करें। रूल भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया रूल हमारा एक जो है डायरेक्ट मेजरिंग टूल है एंड यहां से लीनियर मेजरमेंट इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारणता कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो यहां पर कैलिपर किस कैलिपर की बात कर रहे हैं, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर, और कैलिपर्स हमारे कौन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं, कौन से मापी औजार हैं, अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं। उसका रीजन क्या है, इनके माप को हम स्टील रूल पर ट्रांसफर करते हैं और स्टील रूल के माध्यम से हम वहां पर उसकी रीडिंग को पता लगाते हैं। तो इसीलिए हमारे कैलिपर्स का भी जो एक्यूरेसी होती है वह 0.5 मिलीमीटर एक्यूरेसी होती है, क्योंकि हमारे स्टील रूल की एक्यूरेसी 0.5 मिलीमीटर होती है। तो यहां पर हम जो कैलिपर्स है, कैलिपर्स की जो माप है उसको ट्रांसफर करते हैं स्टील रूल पर और स्टील रूल पर हम रीडिंग को देखते हैं, इसलिए कैलिपर्स की भी जो एक्यूरेसी होती है वह 0.5 मिलीमीटर होती है। क्लियर है? तो यह माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि स्टील रूल किस धातु के बने होते हैं? तो स्टील रूल हमारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, यानी कि ब्लेड की लंबाई से हम ट्राई स्क्वायर का साइज लेते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है, आखिर ट्राई स्क्वायर हमारे 90 डिग्री के एंगल को चेक करता है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है फ्रेंड? तो की एक्यूरेसी 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई में होता है। क्लियर है? तो यह बात आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने इसे पिछले वाले लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था, श्रिंक रूल क्या है फ्रेंड? श्रिंक रूल पैटर्न बनाने के लिए यूज करते हैं। पैटर्न क्या है, गर्म धातु को जब हम पिघलाकर कोई एक आकार देते हैं वह हमारा पैटर्न कहलाता है, और मेटल की एक प्रॉपर्टीज है कि वह हीट पाकर गर्म होकर वह एक्सपेंस फैल जाती है और वह ठंडा होने पर श्रिंकेज हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यहां पर हमें स्टील रूल को ऐसा बनाना होता है, श्रिंक रूल को, कि वह हमारे गर्म जॉब को जब मापे तो वह हमारे एक्यूरेट रीडिंग से जो है, यानी कि वास्तविक माप से थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है, क्योंकि जब वह गर्म जॉब होता है तो वह फैल चुका होता है और जब वह ठंडा होता है तो वह अपने वास्तविक साइज में आ जाए, एक्चुअल साइज में आ जाए। इसलिए हम श्रिंक रूल को बड़ा बनाते हैं। वह कितना बड़ा बनाते हैं, 1/10 × 7/16 इंच। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रिंक रूल के वास्तविक आकार से कितना बड़ा आकार होता है, तो 1/10 × 7/16 इंच जो है बड़ा होता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई होती है। तो ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की जो इकाई है वह फुट है, मीट्रिक प्रणाली में मीटर है, यहां पर ब्रिटिश पूछा है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेट एज का प्रयोग सतह की समतलता की चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो की सीट रूल का प्रयोग किस आकार की जॉब की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको की सीट रूल के बारे में इससे पिछले वाले लेक्चर में सभी रूल के बारे में क्लियर किया था। वहां पर की सीट रूल के बारे में मैंने क्या बताया था कि की सीट रूल एक दो रूलों का जोड़ा होता है, यानी कि दो रूलों से जो मिलकर बना होता है। इसमें एक रूल जो होता है वह नैरो रूल होता है, एक रूल जो होता है जिसकी विड्थ ज्यादा होती है। और हमारा की सीट रूल का प्रयोग क्या होता है, की सीट रूल का प्रयोग होता है किसी भी राउंड वर्कपीस पर, यह हमारा राउंड वर्कपीस है, इस पर पैरेलल, इसकी ऊपरी सतह पर पैरेलल रेखा खींचने के लिए हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया है कि सिलेंड्रिकल जॉब की मार्किंग करने के लिए। क्लियर है? अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है, उसका क्या उद्देश्य है। तो फ्रेंड ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का है, इस प्रकार का ट्राई स्क्वायर है, यहां पर एक अंडरकट लगा होता है। तो उस अंडरकट का क्या उद्देश्य है, जिससे कि हमारे जॉब के किनारे पर जो बर होती है, जो चिप्स लगी होती है, उसको स्थान प्रदान करने के लिए, ताकि वह एक्यूरेट जो माप सके, इसलिए वहां पर बर को स्थान प्रदान करने के लिए वहां पर ट्राई स्क्वायर में एक अंडरकट लगा होता है। क्लियर है? मशीनिंग से जॉब, यहां पर वही बात बोला गया है, यानी कि वह बर को स्थान प्रदान करता है। तो फ्रेंड आशा करता हूं वीडियो से कुछ क्वेश्चन आपके वन लाइनर से काफी कुछ मटेरियल को हम यहां पर कवर करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको वन कराऊंगा,
वन लाइनर में, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लगभग 5 क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे वह सारे क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएंगे। यदि मेरे वर्डिंग को आप पकड़ सकते हो, मेरे वर्ड के ऊपर यदि फोकस कर सकते हो, मैं किस वर्ड को कहां पर यूज कर रहा हूं और किस बारे में बात कर रहा हूं, तो आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं फ्रेंड, यदि रेगुलरली वीडियोस को बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस मैंने टेक्निकल फील्ड में डाली हैं, आईटी रिलेटेड, फिटर टर्नर मशीनिस्ट से रिलेटेड, आप उन सभी वीडियोस को यदि केयरफुल तरीके से देख लेते हो तो आपका जो CBT-2 का पार्ट भी है ना फ्रेंड, वह आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपका पार्ट भी जो है वह ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आप लगभग 28 मार्क्स भी उसमें से लेकर आ जाते हो, आप क्वालिफाई हो जाते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। क्वालिफाई ओनली होना है, 75 से 28 मार्क्स लगभग आपको लाने हैं, 35% क्वालिफाइंग माना है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। रेगुलरली वीडियोस को वॉच करिए आप लोग, और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आपको टेक्निकल, आईटी, फिटर टर्नर मशीनिस्ट से जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊं, वन लाइनर क्वेश्चन को भी प्रोवाइड कराऊंगा एंड आपको फंडामेंटल भी क्लियर कराऊंगा। बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा करिए और शेयर भी कर दीजिएगा करिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए रेगुलरली वीडियोस देता रहूं। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।